हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेंट जंक्शन पानीपत में। इस वीडियो में आप देखेंगे लकड़ी पर डीको पेंट कैसे किया जाता है। ये देखिए, इस पर हमने ग्रे मैट पेंट किया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, हमने लकड़ी की जो रिपेयरिंग है डीको पेंट करने से पहले, हमने वाइट वुड फिलर से रिपेयर कर देनी है। जहाँ जहाँ पर भी हमने कील कूल उसमें लगी हुई दिखाई दे या खड्डे वगैरह दिखाई देते हैं या जोड़ जोड़ो, सबको हमने अच्छे से वाइट वुड फिलर से रिपेयर कर देना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें जो बड़े बड़े खड्डे हैं उसे हमने डबल डबल रिपेयर इसको वुड फिलर से कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, हमें इस पर 220 नंबर के रेगमार से घिसाई करनी है, ताकि जो रिपेयरिंग जो है वो केवल जो केवल है कील के खड्डों में और रिपेयरिंग में लगी रहे, और बाकी हिस्से से जो है रिपेयरिंग जो है वो कट जानी चाहिए और हमें जो है ऐसी फिनिश इसमें मिल जाए जिस पर कि हम वाइट सीलर एप्लीकेशन करेंगे तो हमें रिपेयरिंग में जो है खड्डा दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, इस पर हमने साथ के साथ अच्छे से रेगमार भी लगा दिया है। लकड़ी में जहाँ जहाँ पर ऊपर नीचे था वो भी सब इसमें जो है घिसाई अच्छे से हो गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो छोटे मोटे खड्डे हैं वो जो है सीलर के बाद भी रिपेयर किए जा सकते हैं, लेकिन जो कील के मोटे जो खड्डे हैं वो हमें डीको पेंट में पहले से ही लकड़ी पे रिपेयर कर देने हैं। ये देखिए, इसको जो है रेगमा लगा के साफ कर लेंगे। और अब दोस्तों, जो हमने व्हाइट सीलर इस पे एप्लीकेशन करना है, ये देखिए, ये व्हाइट सीलर है और ये इसका हार्डनर है। ये 1 लीटर सीलर में दोस्तों आधा लीटर हार्डनर मिलाया जाता है। ये देखिए, हमने खाली वुड फिलर का डब्बा ले लिया था, उसे हमने मापने के लिए यूज किया है। जैसे हम 2 डिब्बे इसमें व्हाइट सीलर के लगा रहे हैं तो 1 डिब्बा हमने इसमें हार्डनर का डाल दिया, यानी कि आप अगर 1 लीटर व्हाइट सीलर लेते हैं तो आधा लीटर उसमें हार्डनर मिलाना पड़ेगा, तभी वो माल सूखेगा दोस्तों। अगर इसमें आप हार्डनर नहीं डालेंगे तो माल नहीं सूखेगा। और इसमें थिनर भी हमने आधा लीटर या उससे कम थोड़ा जो है ऐड कर लेना है, या उससे ज़्यादा भी आपने करना है, अपनी गन की सेटिंग के हिसाब से आप उसको सेट कर लीजिए। वैसे आधा लीटर के करीब इसमें हमने थिनर भी मिला दिया है। देखिए, मटेरियल का वीडियो बनाते हुए दिखाने का मकसद यही होता है दोस्तों, ताकि आपको समझ आ सके कि मटेरियल किस प्रकार बनाया जाता है पीयू पॉलिश में। ये देखिए, हमने इसको छत पर जो है एचवीएलपी वाली गन का यूज किया है, ताकि इसमें से माल ना टपके, क्योंकि इसके ऊपर जो कैप होती है उससे आपके ऊपर माल नहीं आएगा। ये देखिए, व्हाइट सीलर को हमने लकड़ी में अच्छे से भराई कर देना है, 2, 3, 4 कोट, जितने कोट में आपकी भराई सही हो सके आपको उसको चेक कर लेना है और अच्छे से उसकी भराई कर देनी है। आसपास का एरिया अगर आपको ढकने की जरूरत है दोस्तों तो उसको कवर कर लेना है, क्योंकि जो व्हाइट सीलर होता है ये काफी ज्यादा डस्ट उड़ाता है। ये देखिए, इसमें जो है भराई लगभग सही लिखने लगी है। इस पर हमने 4-5 कोट व्हाइट सीलर के लगा दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, साइड वाला पट्टा भी हमने व्हाइट सीलर का कर दिया है। अभी हमें इस पर और भी कोट लगाने हैं दोस्तों सीलर के, क्योंकि इसकी भराई करनी जरूरी है। लकड़ी की जो नसें होती है वो सीलर से हमने कवर करनी है। फिर हमने दोस्तों इस पर 220 नंबर का रेगमाल लगाया था। ये देखिए, कोई भी कोट आप अगला टॉप कोट लगाना चाहते हैं या सीलर लगाना चाहते हैं, अगर आपकी नसें नहीं भरी तो सीलर लगा सकते हैं। हमारी नसें लगभग सही आ चुकी है, तो हमने इसकी 220 नंबर से अच्छे से घिसाई करी है और हमने इस पर अब
टॉप कोट लगाने की तैयारी करिए दोस्तों। अगर कोई खड्डा वगैरह आपको बीच में द्वार दिखाई देता है तो आप उसको जो है रिपेयरिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हमने जो है टॉप कोट को शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो है टॉप कोट का जो रफ है वो सारा का सारा कैमरे पर डल रहा था। ये देखिए जो हमने इसमें यूज किया दोस्तों, लेकिन हम टॉप कोट होने के बाद आपको वीडियो का जरूर दिखाएंगे। ये देखिए हमने इसमें जो मैट फाइनल किया है उसका शेड का नंबर मैं आपको कलर कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप डीको के टॉप कोट का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसके लिंक जो है टॉप कोट का दूसरी वीडियोस का मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ऊपर दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि डीको पेंट का टॉप कोट कैसे लगाया जाता है। टॉप कोट दोस्तों जो है जो हम फाइनल करते हैं तो ग्लोस का हो या मैट का सेम प्रोसीजर रहता है। आप देख सकते हैं उसमें जाकर मैंने उसमें टॉप कोट लगाते हुए दिखा रखा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल का नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो आपको हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें जो है